कैसे हो आप लोग बेटा। आई होप सब ठीक होंगे, सब मज़े में होंगे। सो आज की वीडियो जैसा कि आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर है। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैम स्कॉलरशिप जो है वो कब आएंगी, कब मिलेंगी। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिससे कि मैंने फ़र्स्ट जो वीडियो थी नेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर डाल दी थी कि नेशनल स्कॉलरशिप आपको कब मिलती है और आपको क्या करना होगा। उसके अंदर जो आपका NSP पोर्टल है वहाँ पर जाना होता है और वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग एक मिनट डो नॉट डिस्टर्ब ओपन करती हूँ मोड, अदरवाइज़ आप लोग परेशान होंगे, ठीक है। तो आप NSP पोर्टल पर आप जाकर वहाँ पर आप नेशनल स्कॉलरशिप के लिए तो आई थिंक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे। रजिस्ट्रेशन तो देखो, रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो सितंबर और अक्टूबर का ही टाइम होता है जब स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी आधों के हो गए हैं, आधे नहीं हुए हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग पता करते रहें, देखते रहें। अब आज हम बात करने वाले हैं कौन सी स्कॉलरशिप की, आज हम बात करने वाले हैं भीमराव अम्बेडकर स्कॉलरशिप, ठीक है, जो कि बच्चे बहुत बार पूछते हैं। भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप जो है, जो आप लोगों को पता ही होगा अंबेडकर जी के उसके ऊपर नाम पर दी जाती है, इसके अंदर स्कॉलरशिप जो है वो 10th क्लास वाले और 12th क्लास वालों को मिलती है, ठीक है। 10th और 12th क्लास वालों, अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो SC वाले और BC वालों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। 10th क्लास से बच्चा पास आउट हो या फिर 12th क्लास से बच्चा पास आउट हो, ठीक है। अगर अमाउंट की मैं बात करूँ तो इसके अंदर अमाउंट जो है आप लोगों का 8,000 to 12,000 अमाउंट आप लोगों का रहता है जो आपके अकाउंट में आते हैं पैसे, ठीक है। अब बात आती है कि ये फॉर्म कब से निकलना स्टार्ट होंगे, तो 1 अक्टूबर से जो है फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। पर्टिकुलर डेट नहीं है, लेकिन अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी नहीं हुए हैं, लेकिन अक्टूबर से फॉर्म आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है उसके बारे में, ठीक है ना बेटा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और उनके फॉर्म जो हैं वो रह जाते हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते। बहुत सारे बच्चे मैंने भी सामने देखे हैं जो फॉर्म कंप्लीट ना होने की वजह से, डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से वो स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाते, ठीक है, और उनका कैंसिल हो जाता है। और बहुत सारी मात्रा में बच्चे ऐसे निकलते हैं, तो आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले फटाफट आ जाता है डोमिसाइल। डोमिसाइल होता है जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ का सर्टिफिकेट, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जैसे आप हरियाणा के हैं तो हरियाणा का सर्टिफिकेट होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। आप SC से हैं, BC से हैं, जो भी कास्ट है आपकी वो पता तो होनी चाहिए, है ना, तो इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट। देन उसके बाद में थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अगर ये सर्टिफिकेट आपके नहीं हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए और ये सर्टिफिकेट्स फटाफट बनवाइए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट के बाद आ जाता है आपका ओन अकाउंट बैंक। आपका अकाउंट जो है वो बैंक में खुला हुआ होना चाहिए और वो आपका अपना होना चाहिए, ओन बैंक अकाउंट, ठीक है। कई बच्चे होते हैं कि वो मम्मी या पापा के अकाउंट से ज्वाइंट करवा लेते हैं और उनका ओपन रहता है, लेकिन एक अकाउंट आपका एटलीस्ट अपना भी होना चाहिए। और स्टूडेंट बेस पर खुल जाते हैं तो आप एक अकाउंट खुलवा लीजिए अपना फटाफट से, देरी मत कीजिए क्योंकि कुछ ही टाइम पड़ा है, फिर उसके बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर में, ठीक है बेटा। उसके बाद में और आप लोगों को इसमें यहाँ चाहिए होता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद आप लोगों की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आई थिंक वो तो होगी ही, नहीं भी है तो आप लोगों को खिंचवा के रख लीजिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो आप लोगों को पता ही है, इतने में इतनी खिंच जाती हैं, इतने में इतनी खिंच जाती हैं, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो मेन डॉक्यूमेंट्स यही थे। और एक जो अभी नया ट्रेंड चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज़ फैमिली आईडी। फैमिली आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी काफ़ी मात्रा में पूछी जा रही है, काफ़ी जगह आप लोगों से ली जा रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोगों की स्कॉलरशिप जो है, BR अंबेडकर स्कॉलरशिप जो है, वो जल्द ही उसके फॉर्म निकल जाएंगे, तो आप लोग फटाफट से प्रिपरेशन रखिए और 10th और 12th वालों को मिलेगी। SC और BC कैटेगरी में डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स से आप लोगों को अपने प्रिपेयर रखने हैं, ठीक है। आई होप सब समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय।